हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। अब बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है आपका, वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसे स्प्रेडशीट प्रोग्राम इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो काम होता है आपका, वो होता है एक्चुअली वर्कशीट पर। किसमें होता है आपका? तो वर्कशीट बेसिकली किससे बनती है? कॉलम्स एंड आपका रो। तो कॉलम एंड रो की जो बेसिक सिंपल यूनिट, जो मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो क्या होती है? सेल। क्या होती है वो? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल और सेल एड्रेस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कभी भी अगर आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं तो उस सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है। आप ये देख रहे हैं फॉर्मूला बार यहाँ पर। तो फॉर्मूला बार जो होता है ना, यहाँ देखो ये फॉर्मूला बार है, और ये फॉर्मूला बार का ही पार्ट है, लेकिन इसे बोलते हैं क्या? नेम बॉक्स। क्या कहते हैं इसे? तो किसी भी अगर आप सेल पे क्लिक करते हैं तो उसका सेल एड्रेस कहाँ पर आएगा आपका? यहाँ पर नेम बॉक्स पर। और सपोज करो सेल एड्रेस की इंपॉर्टेंस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पर एक वैल्यू है 90, और एक वैल्यू क्या है आपके यहाँ पर? 45। अब आपको इन दोनों वैल्यू का सम निकालना है, ठीक है? तो आप सम कैसे निकालोगे? हमें लगाना पड़ेगा फार्मूला। तो हर फार्मूले की स्टार्टिंग किससे होती है? इक्वल के साइन से, ठीक है? तो जब आप इक्वल का साइन लगाते हो यहाँ पर, तो ये 90 का एड्रेस क्या है? A1। तो आपको मैनुअली राइट नहीं करना है यहाँ पर A1, आपको जस्ट क्लिक करना है यहाँ पर। मैनुअली राइट नहीं करना, जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा आपका? A1, ठीक है? फिर आप यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस एंड देन आपका यहाँ पर 45, ठीक है? जैसे आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली आपका ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं 90 या फिर 45, ठीक है, तो ऊपर क्या आएगी? वैल्यू। बट अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ऊपर क्या आएगा? A+ A1। तो हम समझ गए यहाँ पर क्या यूज़ है फॉर्मूला बार का। फॉर्मूला बार एक्चुअल में यहाँ पर वैल्यू या फिर आपका फॉर्मूला यहाँ पर शो करता है, ठीक है ना? ये आपका फॉर्मूला है। तो इस वैल्यू पर अगर आप डबल क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला तब भी शो हो जाएगा। तो ये इसका एक मेन यूज़ है आपके फॉर्मूला बार का, कि फॉर्मूला बार वहाँ पर फॉर्मूला शो करता है। बट फॉर्मूला बार काफ़ी इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, याद रखें। कभी भी आप मिनिस्ट्रीज में काम करेंगे, कहीं पर भी काम करते हैं आप, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या होता है कि ना, ऑलरेडी कुछ लिखा होगा पहले से। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, द करेंट ईयर, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? 2016 क्या लिख दिया यहाँ पर। अब आप सबको कहेंगे 16 नहीं 17 है ये। तो आप यहाँ पर आएंगे, आप सोचेंगे कि यहाँ पर 7 एंटर कर दिया आपने, और जैसे आप यहाँ पर एंटर करते हैं या फिर क्लिक करते हैं माउस से कहीं पर भी, तो कुछ ऐसा हो जाएगा, कोई तो ठीक नहीं है, डिलीट करना पड़ेगा आपको। तो एक्चुअल में लाइन में एडिटिंग यहाँ से नहीं करते, यस वैसे नहीं होती। यहाँ लाइन में एडिटिंग होगी किससे? फॉर्मूला बार से। तो फॉर्मूला बार पे वो लाइन कब शो होगी? जब आप उस लाइन के फर्स्ट सेल पे क्लिक करोगे। कहाँ क्लिक करोगे? फर्स्ट सेल पर। और यहाँ पर आप जाएंगे 6 को, आप क्या कर देंगे यहाँ पर? 7। अच्छा, मैंने स्टार्टिंग की क्लास में बताया था आपको, फर्स्ट क्लास में या सेकेंड क्लास में आपको, कि आपका ऑलरेडी यहाँ पर कुछ फीड होता है पहले से, जैसे डेज नेम फीड होते हैं आपके, ठीक है, संडे मंडे, ठीक है, आपका जनवरी फरवरी फीड होता है आपका। तो ये शॉर्ट में भी फीड होता है आपका, और ये आपका कंप्लीट भी फीड होता है पहले से। तो इसमें क्या होता है कि आप यहाँ पर आते हैं, एंड देन यहाँ पर आप ड्रैग करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर आप ड्रैग करते हैं। तो ये हर वर्जन में होता है। अभी इस समय आपका जो प्रेजेंट वर्जन चल रहा है ना, वो चल रहा है Office 16। तो वट एवर आप Office 7 पे काम करते हैं, 10 पर, 13 पे काम करते हैं, हर एक में होता है ये पहले से। तो कुछ लोगों को डाउट होता है कि यार ये आ सकता है अगर संडे मंडे जनवरी फरवरी आ सकता है अगर, तो ABC भी आ जाएगा, ठीक है? तो ABC नहीं आएगा, याद रखें आप, ठीक है। एक एक लिस्ट होती है पहले से यहाँ पर बनी बनाई, उसको बोलते हैं कस्टम एडिट, कस्टम लिस्ट बेसिकली, सॉरी। क्या होती है वो? अगर आप इस चीज़ को वहाँ पर ऐड कर दो तो ये आ जाएगा, बाकी ये चीज़ तो होती है पहले से एडिट, तो इसे कोई डिलीट नहीं कर सकता, ये हमेशा रहेगा। अच्छा, नंबर के साथ में क्या होता है? नंबर आपने लिया यहाँ पर, क्या लिया आपने यहाँ पर? नंबर। तो नंबर के साथ में क्या होता है? क्या नंबर अगर आप यहाँ पर आकर और इस पॉइंट पर आकर अगर आप ड्रैग करते हैं तो क्या नंबर आ जाएगा? जब नंबर नहीं आएगा आपका, तो आप क्या प्रेस करेंगे? कंट्रोल। क्या प्रेस करेंगे आप? अच्छा, कुछ लोग ऐसे ले लेते हैं यहाँ पर 1 एंड 2, तो क्या ऐसे काउंटिंग आ जाएगी? ठीक है, इसे काउंटिंग आ गई। तो यही काउंटिंग अगर आप देखें यहाँ पर, तो कंट्रोल प्रेस करने से भी आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं जस्ट 1 लिखता हूँ, और 1 लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पर मैं आने के बाद कंट्रोल प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आप आए एंड देन आपने क्या प्रेस किया, कंट्रोल। जैसे आप यहाँ पर इसको ऐसे प्रेस करेंगे तो आ जाएंगे। अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक सीखेंगे यहाँ पर, वो ट्रिक ये है कि अगर कंट्रोल से भी ये काम हो सकता है तो कोई ये वाला फॉर्मूला तो यूज़ करेगा ही, 1 इंटू, इसकी क्या ज़रूरत है फिर, कभी यूज़ नहीं करेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी अलग अपनी इंपॉर्टेंस है, इस मेथड की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, इस मेथड की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे अगर आप लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपका रोल नंबर है, ये शीट नंबर आपका 3 है, शीट नंबर 3 में आपका रोल नंबर क्या है, आपका रोल नंबर है 101 फॉर एग्जाम्पल। तो 101 के केस में आप यहाँ पर क्या लेंगे, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करेंगे आप, और कंट्रोल प्रेस करते ही आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितनी भी काउंटिंग है वो सब आ जाएगी, ठीक है। बट आपने सुना होगा यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर ऐसा नहीं होता है कि पैन कार्ड नंबर में आपका पैन नंबर मतलब 1 2 3, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक मतलब जैसे ABC, उसके बाद है 1 2 3 समथिंग कुछ, तो ये ऐसे होते हैं, तो अल्फ़ाबेट्स नहीं है, अल्फ़ाबेट तो जस्ट ABC होगा या जो भी है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, उसमें टेक्स्ट भी होंगे और उसमें नंबर भी होगा। अब उस केस में अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं, क्या प्रेस करते हैं, अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो ये ट्रिक काम नहीं करती इधर अल्फा न्यूमेरिक में। इस ट्रिक में तो आपको मैन्युअली क्या करना होगा, एक सेकेंड वैल्यू लिखनी ही पड़ेगी। मैं इसे कॉपी करता हूँ यहाँ पर, एंड देन मैं इसे यहाँ पर क्या करता हूँ, पेस्ट, ठीक है, फर्स्ट कॉपी एंड देन आपका यहाँ पर पेस्ट। अब मैं देखो इसको यहाँ पर एडिट करता हूँ, डबल क्लिक किया, यहाँ पर क्या कर दिया, 4। अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ इस तरह से। तो देखा आपने इस ट्रिक के अकॉर्डिंग काम करके, सपोज करो तुम एक कंपनी का डाटाबेस क्रिएट कर रहे हो एक्सेल में, उस कंपनी में 1000 एम्प्लॉय है। आजकल क्या होता है कि कंपनीज में एम्प्लॉयज वगैरह का, एक्चुअली आजकल क्या होता है कि इन कंपनीज में, हाँ वहीं पर, इन कंपनीज में क्या होता है कि हर एम्प्लॉय का पैन कार्ड नंबर मस्ट है इनकम टैक्स के लिए जो भी है। तो डाटाबेस में या रिकॉर्ड्स में आपको पैन कार्ड भी, मतलब आपको पैन कार्ड भी इंसर्ट करना है, और 1000 एम्प्लॉयज़ के एक सीरीज़ में है वो इस तरह से। तो 1000 टाइम आपको एंटर करने पड़ेंगे क्योंकि आपका कंट्रोल ट्रिक तो काम करेगा नहीं। तो उस केस में आपको क्या करना है, इस तरह से फर्स्ट वैल्यू एंड देन सेकेंड वैल्यू, इस तरह से फिर वो सीरीज़ में आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट ट्रिक सीखो यहाँ पर। सपोज़ करो कि आपके पास यहाँ पर ना कुछ सब्जेक्ट है, मान लो यहाँ पर क्या है, हिंदी, यहाँ पर क्या है आपका हिंदी, यहाँ पर क्या है आपका इंग्लिश। तो फिलहाल तो बेसिकली होते हैं 5 सब्जेक्ट, मैं फिलहाल यहाँ पर आपका हिंदी, इंग्लिश एंड देन मैथ, यहाँ पर मैं ले रहा हूँ क्या आपके 3 सब्जेक्ट, ठीक है। अब इन 3 सब्जेक्ट में मैंने कुछ नंबर डाल दी, तो नंबर क्या है आपका 78, 90, 47, 78, ठीक है। अब आपको करना क्या है यहाँ पर ना, इनका सम निकालना है। क्या निकालना है आपको यहाँ पर, इनका सम। तो इनका सम कैसे निकालोगे तुम, इसका सम निकालने के लिए आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आओ, यहाँ पर क्या लिखोगे, टोटल, ठीक है। अब आप यहाँ पर फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लिक करें, अब बाय डिफॉल्ट इस पर क्लिक करते हैं अगर, तो सिग्मा अप्लाई होगा, ये सम ही अप्लाई करता है। बट अगर आपको एवरेज अप्लाई करना है या आपको मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, आपको ये सभी चीज़ें निकालनी है अगर आपको, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करना होगा इस पॉइंट पर। कहाँ क्लिक करना होगा, इस पॉइंट पर क्लिक करना होगा, फिर आप क्लिक करें एवरेज पर या फिर वट एवर काउंट नंबर है मैक्सिमम, तो यहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अप्लाई कर दिया आपने, फिर आप बाकी यहाँ पर ट्रैक करिए ऐसे, इस तरह से, ठीक है, नहीं ओके, इस तरह से, ठीक है। तो कितना ईजी था ना ये। अब सपोज करें आप एक स्कूल का डाटाबेस क्रिएट कर रहे हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं और आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो कम से कम एटलीस्ट 1000 हैं। तुमने 1000 स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड डाल दिए यहाँ पर। अब तुम इसे ट्रैक करते हो, क्या करते हो, तुम इसे यहाँ पर ड्रैग करते हो। तो अब अगर तुम इसे यहाँ पर ड्रैग करते हो ऐसे, तभी तो 100 भी नहीं हुए भाई, तो 1000 कहाँ से होंगे, तो कैसे करोगे फिर उस केस में। यस, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, डबल क्लिक, वेरी गुड, डबल क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिकली जितने भी हैं वो सभी के सभी आ जाएंगे। तो कुछ कुछ टूल्स आपको पता है, कुछ कुछ टूल्स आप जानते हैं,
तो आज मैं आपको होम मेन्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल सिखाने वाला हूँ मैं यहाँ पर आपको। वो इंपॉर्टेंट टूल क्या है आपका? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिन्हें करवाया अभी पहले। तो आज की क्लास का यही इंपॉर्टेंट टूल है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये काफ़ी बड़ा टूल है, उससे काफ़ी तरह के काम कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग नॉर्मल वे में भी होता है। नॉर्मल वे में क्या होता है कि आपको ये ऑप्शन जो है मैनुअली करवाए थे इस तरह के, एक एडवांस फॉर्मेट में भी होता है जिसमें लिस्ट कंपेयर करते हैं काफ़ी कुछ। इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है अपने ब्लॉग में, ब्लॉग का नाम है e-notes4.blogspot.com। वहाँ पर जाते होंगे आप, विजिट करते होंगे। तो नोट्स वगैरह पूरे कॉपी कर लिए पहले? ठीक है, गुड। एक्सेल के नोट्स वगैरह से कॉपी कर लेना। इसके लिए हमें एक प्रॉपर डाटा चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा इसके लिए हमें? प्रॉपर डाटा। तो प्रॉपर डाटा आपका कैसे यहाँ पर आएगा? एक बार देख लेते, कोई फाइल बनी होगी हमारे पास। तो फाइल को ओपन करने की कमांड क्या है यहाँ पर? शॉर्टकट की क्या है एक्सेल में? वही कंट्रोल ओ, याद रखो। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट तीनों में शॉर्टकट की बिल्कुल सेम है, कंट्रोल ओ। तो कंट्रोल ओ एक ही फाइल है यहाँ पर बस। क्या नाम है इसका? आरके। आरके में रिकॉर्ड्स जरा चेक करो। हाँ गुड, आरके में रिकॉर्ड्स तो ठीक ठाक ही हैं। अगर मैं यहाँ पर कुछ नंबर डालूंगा तो ये रिकॉर्ड्स अपने आप बन जाएंगे। गुड, ये हमें एक सीरीज़ मिल गई यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, तुम लोगों को अभी जो अगर तुम लोग करते हो अगर, तो तुम लोगों को क्या करना है अभी? आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर नंबर मैनुअली एंटर करने हैं आपको। क्या नंबर एंटर करने हैं? मैनुअली एंटर करने हैं। बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है अभी, तो मैं एक फंक्शन लगा देता हूँ, उस फंक्शन से नंबर जनरेट कर देता हूँ ऑटोमेटिकली। आप लोगों को ट्राई नहीं करना है ये, क्योंकि आप लोग अभी नहीं कर पाएंगे। ये वैसे फंक्शन होता है रैंड बिटवीन। जब फंक्शन सिखाऊंगा ना आपको, तब बताऊंगा कि इस फंक्शन की क्या अपनी इंपॉर्टेंस है। तो मैं रैंडमली नंबर जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, सिलेक्शन कर लेता हूँ। तो फिलिंग की भी अपनी शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल कंट्रोल आपका हाँ, ठीक है? तो अभी आप लोग ये ट्राई मत करिएगा, ये फंक्शन कैसे काम करता है मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? सो मैंने क्या किया यहाँ पर, कुछ वैल्यूज़ आपके यहाँ पर इंसर्ट कर ली, ठीक है? ये टोटल है आपका, ये आपका एवरेज है, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है, और ये आपका मिनिमम वैल्यू, ठीक है? और ये आपके मतलब मार्क्स वगैरह हैं। तो यहाँ पर कितने मतलब, ये जो देख रहे हो तुम यहाँ पर, तो 32 है यहाँ पर। ये क्या है? 25। तो बेसिकली हमें पता होता है कि अगर 33 से कम है आपके तो क्या होगा? तो फेल होगा आपका। तो आपको एक टास्क दे देता हूँ मैं कि आपको वो सारे नंबर हाईलाइट करने हैं जो 33 से कम है। उन्हें रेड कलर में कर दो, ग्रीन में कर दो, ब्लू में, या मतलब कैसे हाईलाइट कर दो। तो कैसे करेंगे इस काम को? इस कॉलम को सेलेक्ट करोगे, इस कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करोगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आफ्टर इट क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, देन क्लिक ऑन हाईलाइट सेल्स रूल्स। फिर कहाँ क्लिक करोगे? कंडीशन क्या है? जो 33 से कम हो, तो कहाँ? लेस देन। ये सारी कंडीशंस होती हैं, डुप्लीकेट वैल्यू सभी कंडीशन है, जानेंगे हम लोग। फिलहाल कहाँ क्लिक करोगे? लेस देन। तो लेस देन पे क्लिक करते ही आपका यहाँ पर क्या आ गया? 55.5। इसे आप कट करें, बाय डिफॉल्ट वैल्यू आ गई 33 डालें, तो वो वैल्यूज हाईलाइट हो गई जो इस तरह से देखिए 33, ठीक है? तो आप देखा जाना इस तरह से कैसे कर सकते हैं आप। अब सपोज करो यहाँ पर क्या होता है ना, देखो 33 रेड में आ गया, बट साथ में ना फिल कलर भी आ गया आपका रेड में। फिल कलर मतलब सेल्स में भी कलर फिल हो गया आपका रेड। तो आप चाहते हैं कि नहीं यार, ये मतलब सिर्फ ये जो टेक्स्ट है आपका, ये सिर्फ टेक्स्ट आपका मतलब आए आपका इस तरह से, ये फिल कलर ना आए आपका। तो आपको क्या करना होगा? आपको यहाँ पर जाना होगा, ठीक है? यहाँ पर जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाने के बाद तो जरा एक चीज़ चेक करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेलेक्ट करें यहाँ पर कहाँ क्लिक करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देन उसके बाद हाईलाइट सेल रूल्स, अगेन लेस देन। तो हमारा वही तरीका है कि हम यहाँ पर डालेंगे 33, बट आपको क्या करना है? आपको सिर्फ रेड कलर में चाहिए यहाँ पर, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये फॉर्मेट है सभी, देखो येलो, देखो ग्रीन, देखो यहाँ पर क्या है, लाइट रेड फिल, यहाँ देखो कहीं हुआ रेड टेक्स्ट भी, तो रेड टेक्स्ट आ रहा है, बट ये मतलब देखो काफ़ी क्लियर नहीं आ रहा। तुम चाहते हो बोल्ड भी करना, या यहाँ पर देखो ग्रीन है क्या, ब्लू कलर, ब्लू नहीं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कलर्स है ना, वो कुछ ही हैं प्री डिफाइंड। तो अगर आपको कोई नया भी ऐड करना है अगर, तो आपको कहाँ क्लिक करना होगा? कस्टम फॉर्मेट। कहाँ क्लिक करना होगा आपको? कस्टम फॉर्मेट। तो आप कस्टम फॉर्मेट पर क्लिक करें, इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा। तो जैसे ऐसे आएगा, मुझे करना है बोल्ड। क्या करना है मुझे? बोल्ड।
बोल्ड करने के बाद फिर आप कहाँ क्लिक करेंगे, पहले फिर आप कहाँ जाएंगे, ये ठीक है। तो अब आप जैसे ही ओके करेंगे यहाँ पर, तो देखो वो बोल्ड भी हो गए और ये देखो इस तरह से भी हो गए, ये इस तरह से आप साफ साफ देखिए। तो देखा आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग कितने काम का है। अब एक बात याद रखें, कभी भी आप जो भी आपने फॉर्मेटिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग से अप्लाई की है, अगर आपको रिमूव करनी है, तो रिमूव करने का तरीका ये होता है कि आप दोबारा यहाँ क्लिक करें, इसका एक लास्ट ऑप्शन है, ये सेकंड लास्ट सॉरी, क्लियर रूल्स। तो क्लियर रूल्स पे क्लिक करो, कहाँ क्लिक करोगे, क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल। फिलहाल इस ऑप्शन से कुछ नहीं होगा क्योंकि आपने सेलेक्ट कर रखा ही, तो या तो सेलेक्ट करो इसको या दोनों को, सभी को, ठीक है ना। और उसके बाद कहाँ क्लिक करोगे, क्लियर फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। इसे तब यूज़ करते हैं जैसे मान लो तुमने 5 कॉलम्स में अपना कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है और आपको 1 या 2 कॉलम्स रिमूव करना है, तब आप उस कॉलम को सेलेक्ट करिए मैनुअली, उसके बाद क्लिक करिए आप क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा। बट अगर आपको करना है ना सभी से हटाना है, अगर आपको सभी कंप्लीट एंटायर शीट में से हटाना है अगर आपको, तो ज़रूरत नहीं आपको सेलेक्ट करने की, अगर कंप्लीट हटाना है आपको, आपको क्या करना होगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसके बाद फिर आपको कहाँ क्लिक करना होगा, क्लियर रूल्स एंड देन क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, क्लिक करिए यहाँ पर आप। बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ये, आमतौर पर क्या होता है, देखो ये मैं अभी इसको रिमूव करता हूँ आपका, ठीक है, ये हो गया। आमतौर पर ये सभी को पता होता है, बोल्ड वाले की वर्ड में भी होता है, जो मेन एक्चुअल जो टूल है आपका एक्सेल का, वो क्या है आपका कंडीशन फॉर्मेटिंग। कंडीशन फॉर्मेटिंग आपका आ गया। अब स्कूल कॉलेज में क्या होता है, रिजल्ट आप डिस्क्लोज करते हैं, तो भाई एनुअल लेवल पर पूरे स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं। अब 1000 में टोटल ये है स्टूडेंट्स का, आपको ये बताना है कि कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है और कौन थर्ड है, ठीक है। तो 1000 में फाइंड आउट करना है अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा टाइम लग जाएगा आपको, कंपेयर करना पड़ेगा आपको काफ़ी सभी कुछ। तो इस काम को आप कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। कैसे कर सकते हैं इस काम को आप, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। यहाँ पर सेकंड टूल जो है आपका वो क्या है, टॉप बॉटम रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप क्लिक करें कहाँ, Top 10 आइटम, कहाँ क्लिक करेंगे आप, Top 10 आइटम। तो जैसे आप Top 10 आइटम पर क्लिक करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लेता है Top 10 आइटम। आपको जस्ट थ्री फाइंड आउट करने हैं, आप 3 फाइंड आउट करिए यहाँ पर, तो देखो ये 3 हाईलाइट हो गए ना यहाँ पर, ठीक है, ये देखो आप 3 हाईलाइट हो गए, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, कितना ईजी था है ना। कंट्रोल जेट कर रहा हूँ, कंट्रोल जेट से भी फिलहाल अभी फॉर्मेटिंग हट जाएगी आपकी। अब मान लो सबसे कम मार्क्स किसके आए, मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि सबसे कम नंबर किसके आए, तो सबसे कम मार्क्स जानने हैं अगर आपको, तो टॉप बॉटम रूल्स में जाओ। इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, Top 10%, ये सब बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, कहाँ क्लिक करना है, Bottom 10 आइटम्स कहाँ क्लिक करना है, और सबसे कम मार्क्स किसके आए, सबसे कम मतलब एक ही होगा जिसके सबसे कम आए, तो नंबर 1 डालेंगे आप, तो सबसे कम किसके हैं, 205। देखा आपने कितना इजी है, मतलब ये आपको हाईलाइट करना, ठीक है। तो मेन जो टूल जो ऑप्शन थे आपके वो यही थे, क्लियर फॉर्मेटिंग सभी कुछ, बट इनका भी थोड़ा सा यूज़ है, जैसे ये डाटा बार्स जो होते हैं, अब डाटा बार्स अलग कलर में अवेलेबल हैं। डाटा बार्स में क्या होता है, डाटा जो बार की जो लेंथ है उससे आइडेंटिफाई होता है कि वैल्यू कैसी होगी, मतलब जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसके बार की लेंथ कंप्लीट होगी, जो छोटी वैल्यू है, जो स्मॉल वैल्यू है उसका जो बार है वो उतना ही स्मॉल होगा, उतना छोटा होगा, ठीक है। कंट्रोल जेड करिए यहाँ पर, ठीक है। तो बार्स देख लिया आपने, बार्स के बाद कलर स्कीम। अब कई स्टूडेंट ना कलर स्कीम में कंफ्यूज रहते हैं, ये हो क्या रहा है, मतलब ये क्या है, मतलब ये क्या, किस तरह से कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कलर के थ्रू आइडेंटिफिकेशन होता है, जो हाइएस्ट वैल्यू है उनका वाइट कलर, ठीक है, जो फिर उससे हाइएस्ट है उनका लाइट रेड कलर आ रहा है, डार्क रेड कलर उसका आ रहा है जो स्मॉलेस्ट वैल्यूज है, तो कलर के थ्रू आपका मतलब एक तरह से आइडेंटिफाई करना। अब देखो एक इंटरेस्टिंग ऑप्शन है थोड़ा सा यहाँ पर एक, वो इंटरेस्टिंग ऑप्शन क्या है, वो इंटरेस्टिंग ऑप्शन ये है आपका कि आप आइकन सेट यूज़ कर सकते हैं। आइकन सेट भी कई तरह के होते हैं, यहाँ पर आइकन सेट में जाओ, देखो इस तरह के हैं, ठीक है ना, इस तरह के हैं, काफ़ी हैं इस तरह के, ठीक है, और मतलब काफ़ी चीज़ें हैं इसमें इस तरह से। तो ये वाला देखो आइकन, जरा एक बार क्लिक करो इसके बाद, मोबाइल नेटवर्क टावर, तो देखिए जरा ध्यान से यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क टावर, उसके टावर कंप्लीट जो हाईएस्ट वैल्यू है, ठीक है, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसके टावर तो गए चलेगा, ठीक है ना, ऐसा ही नहीं, जैसे कि ये
379 में अगर आप रिचार्ज कराएं तो पूरे टावर, अदरवाइज ये इस तरह से, ठीक है। तो ये तो जस्ट ऐसी एक जोक था बेसिकली, बट आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर जाइए आप एंड देन क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट या ऐसा कुछ कर दो, ठीक है। तो हमें जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, मर्ज सेल आपको आता ही होगा, और ये क्या है आपका रैप टेक्स्ट, आपको आता होगा, ठीक है ना। अच्छा, मर्ज टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है कि आपने यहाँ पर कुछ सेल सेलेक्ट कर लिया आपने, ये आपका काम हो गया, यहाँ पर आपने क्लिक किया, ये बन गई बस एक ही सेल, ठीक है। तो आमतौर पर हर यूज़र, हर स्टूडेंट या इनिशियल जो लर्नर है आपका, वो कंसंट्रेट करता है कि मर्ज के फर्स्ट फंक्शन पर। काफ़ी कम लोगों को पता है कि अगर आप मर्ज के इस वाले पॉइंट पर क्लिक करें, इस वाले पॉइंट पर, तो और भी ऑप्शंस आते हैं, ठीक है। जैसे मर्ज एक्रोस, काम के नॉर्मली दो ही होते हैं, जैसे मर्ज इन सेंटर ही फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। इससे क्या होता है, फर्स्ट वाले ऑप्शन से ऐसे क्लिक करो या फर्स्ट पर क्लिक करो, अप्लाई वही होगा सेम। आप यहाँ क्लिक करो अगर, तो ये देखो आपका इस तरह से, ठीक है, ठीक है। ये आपका आ गया, दोबारा अप्लाई करो आप, वो अनमर्ज हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको भी यूज़ करते हैं, बट इसको भी काफ़ी यूज़ करते हैं सेकेंड ऑप्शन को, ये होता है आपका मर्ज एक्रॉस, क्लिक करो। ये क्या करता है देखो, मैं ज़रा यहाँ पर आउटलाइन इंसर्ट करना चाहूँगा ताकि साफ साफ दिखे यहाँ पर। ये देखो ये क्या करता है, देखो इसने सिर्फ क्या किया, कॉलम को मर्ज किया है, रो को मर्ज नहीं किया है। तो होता ना, ये कहाँ पर काम आएगा आपका, इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं अगर आप, बिल वगैरह, सेल्स का बिल, परचेज का बिल, तो क्या खरीदा, आइटम नेम, तो वो होता ना क्या खरीदा, किसमें आया था आपका, पर्टिकुलर्स में, पर्टिकुलर्स में आपका आ जाता है। ऐसे आप सेंटर करते हैं यहाँ पर, ठीक है, इस तरह से बाय डिफॉल्ट। तो इसको काफ़ी यूज़ करते हैं इस सेकेंड ऑप्शन को, मर्ज अक्रॉस बिल वगैरह। तो जल्दी मैं बताऊंगा आपको कि इनवॉइसेस कैसे बनाए जाएंगे, तब हम इसे यूज़ कर सकते हैं सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड ऑप्शन था। अब अगला क्या है, मर्ज सेल। अब कई लोगों को लगता है कि ना फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों सेम है, वो क्यों लगता है, देखो वो ऐसे लगता है कि आप यहाँ पर गए, आपने क्लिक किया मर्ज एंड सेंटर, एक हो गया, बन गया आपका वन। फिर आपने यहाँ पर क्लिक किया, देन आप यूज़ करते हैं कि आपका सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन सॉरी, मर्ज सेल। तो मर्ज सेल आपने क्लिक किया यहाँ पर, ठीक है, ये भी आ गया। अब लोगों को लगता है बड़ा दोनों दोनों ही सेम है, दोनों सेम तो हैं, बट एक यहाँ पर एक मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस क्या है, अगर आप मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर एपटेक, क्या टाइप करता हूँ यहाँ पर एपटेक, तो एपटेक जो है ना आपका यहाँ पर, वो हॉरिजेंटली सेंटर में आया, बट अगर आप यहाँ लिखते हैं एपटेक, तो यहाँ पर आपका सेंटर में नहीं आ रहा, यहाँ पर आपका क्या आ रहा है, लेफ्ट में। तो इसके नाम से आपको क्लियर हो जाएगा डिफरेंसेस क्या है। फर्स्ट ऑप्शन का नेम लिखा हुआ है यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर, एंड थर्ड का क्या लिखा हुआ है आपका, मर्ज सेल्स। तो क्लियर हो जाता है आपका कि ये मर्ज भी करेगा, सेंटर में भी कर देगा, और ये जस्ट मर्ज करेगा। और लास्ट वाला जो फोर्थ ऑप्शन है अनमर्ज सेल, जो सिंपल है कि मतलब आपको वापस ठीक करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू अगेन अनमर्ज ऑलरेडी मर्ज सेल्स, देन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन अनमर्ज, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल्स थे आपके। अब इनकी बात चली रही, तो जिस किसी स्टूडेंट का रह गया आपका रैप टेक्स्ट, ये भी देख ही लो एक बार। रैप टेक्स्ट कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में क्वेश्चन ऐसा आता है कि सपोज करो तुम्हारा यहाँ पर है मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर है जो भी है। तो मैंने यहाँ पर क्या टाइप किया, मैंने यहाँ पर टाइप किया आपका कॉन्टैक्ट, सॉरी कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट नंबर की अगर आप लेंथ देखें, तो वो कॉलम की लेंथ से यहाँ पर बाहर जा रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ डबल क्लिक कर देते हैं या इसे अरेंज कर लेते हैं, और ऐसे मैनेज हो जाता है। बट सिचुएशन इस तरह से है कि आपको कॉलम के साइज़ में चेंजेस नहीं करनी, आपको रो के साइज़ में चेंजेस करनी है, इस तरह से वही ना आना चाहिए नीचे आपका, ठीक है। तो ऐसे तो नहीं आएगा ये आपका, तो ये काफ़ी पूछते हैं इंटरव्यू में। तो आपको क्या यूज़ करना होगा यहाँ पर, रैप टैक्स। तो रैप टैक्स देखो ऐसे, ठीक है, इस तरह से रैप टैक्स आपका काम करता है, ठीक है। तो हमने इंपॉर्टेंट टूल्स देख लिया आपने एक्सेल में जो है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरा होम मेन्यू कवर करेंगे कि किस तरह से बाकी को यूज़ करते हैं, और काफ़ी कुछ यूज़ करते हैं सभी कुछ। तो मैं एक इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की बताना चाहूँगा एक्सेल में, वैसे बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती हैं, उन शॉर्टकट कीज में से मेरे ब्लॉग में जाएं आप। ब्लॉग क्या है मेरा आपका, e-notes4, क्या टाइप करेंगे आप, e-notes4, गूगल में सर्च करिए e-notes4, ई लर्निंग अकेडमी आएगा, वहाँ एक्सेल में जाइए आप। सारी शॉर्टकट कीज जितनी भी, देखो कुछ कुछ शॉर्टकट कीज ना कॉमन होती है वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, बट कुछ शॉर्टकट कीज वर्ड की अपनी अलग होती हैं,
एक्सेल की अपनी अलग होती है। तो उन शॉर्टकट कीज में से 700, ये क्या है, क्या है ये 700, क्या है रुपीस है डॉलर है, क्या है ये नंबर है बेसिकली, ठीक है। तो अगर आपको करेंसी साइन ऐड करना है तो बहुत कम लोगों को पता है यहाँ पर करेंसी साइन ऐड करने का शॉर्टकट क्या होता है। करेंसी साइन ऐड करने का शॉर्टकट की जो होता है वो शॉर्टकट की होता है कंट्रोल शिफ्ट 4। क्या होता है कंट्रोल शिफ्ट 4, ये देखो इस तरह से जो टॉप में होगा ना वही आ जाएगा। फिर टॉप में क्या है आपका डॉलर, रुपीज़, तो रुपीज़ आ जाएगा कंप्लीट पूरा। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये फिलहाल शॉर्टकट की क्या है कंट्रोल शिफ्ट प्लस 4, ये शॉर्टकट की करेंसी साइन ऐड कर देता है, ठीक है, करेंसी साइन ऐड कर देता है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पर दिखाया आपको ये शॉर्टकट की करेंसी साइन ऐड कर देता है, ठीक है। तो हमारा जो करेंसी है वो कौन सा अप्लाई होगा, ये डॉलर, क्योंकि टॉप में वही, ठीक है। मेरे ब्लॉग में भी है और आप यहाँ पर भी दे सकते हैं, मैं लिखवा दूँगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप इंटरव्यू में जाएंगे कई बार, एमएनसी कंपनीज का क्वेश्चन है, एमएनसी कंपनीज के क्वेश्चन में ये आता है कि भाई आप रुपीज़ का साइन यहाँ पर ऐड कैसे करेंगे। तो मेरा एक बीसीए का स्टूडेंट था एक्चुअली, वो आया था मेरे पास, उसकी और भी कई प्रॉब्लम थी, वो बता रहा था कि सर मैंने एक वीवीए कोड ऐड करके ऐसा कुछ कर दिया। नहीं ऐसा नहीं होता, बड़ा सिंपल तरीका होता है, एक बार मैं सेटिंग कर दूंगा ना तो हमेशा रुपीज़ का साइन आ जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे कंप्यूटर में आ रहा है बेसिकली, इस कंप्यूटर में नहीं आ रहा रुपीज़ का साइन। तो ये मैंने ब्लॉग में भी दिया हुआ है, ब्लॉग में अगर आप जाएंगे ना वहाँ पर, तो वहाँ पर लिखा होगा इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वहाँ पर लिखा मैंने स्टेप्स आपको कैसे किस तरह से करना है, ठीक है। तो देख लो एक बारी, ठीक है ना, इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाएगा तो देख लेना इसको कि कैसे करना है। यहाँ पर क्लिक करना है, पहले कंट्रोल पैनल ओपन करना है आपको, क्या ओपन करना है आपको, तो यहाँ पर टाइप कर दीजिए आप कंट्रोल पैनल के लिए, कंट्रोल टाइप कर दीजिए, क्या टाइप कर देंगे आप कंट्रोल, ये आ जाएगा कंट्रोल पैनल आपका, एंटर कर दीजिए आप, तो ये आ गया आपका कंट्रोल पैनल। अब कंट्रोल पैनल में आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है क्लॉक लैंग्वेज एंड रीजन, यहाँ सेटिंग होती है, इसकी सेटिंग का इफेक्ट पड़ेगा पूरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेटिंग के ऊपर। यहाँ पर क्लिक करो, यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आप कहाँ क्लिक करेंगे, ये रीजन एंड लैंग्वेज, रीजन एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पर देखो फॉर्मेट, ये फॉर्मेट इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट है। अब यहाँ पर इंग्लिश इंडिया फाइंड आउट करो, क्या फाइंड आउट करोगे, इंग्लिश इंडिया, तो देखो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, ये बेसिकली होते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, देखो ये मिल गया ना। तो ऊपर जाना है हमें कहाँ पर, इंग्लिश की रेंज में, इंग्लिश की जहाँ पर लिस्ट है, इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश इंडिया, ओके करो, ठीक है, क्लोज करो इसको, सेटिंग हो गई हमारी, ये रुपीज़ शायद आ गया होगा, तो ये बाहर से आ गया, ठीक है। तो ऊपर क्या आ रहा है आपका यहाँ पर अभी, अब यहाँ पर रुपीज़ का साइन तो आया नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली होता है क्या है कि ना, रुपीज़ का साइन बाद में आया था, विंडोज 7 पहले आ गई थी। करेंसी सिंबल का रिलेशन होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में, विंडो 10 में बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट है आपका रुपीज़ साइन, बट विंडो 7 में नहीं है, बट हमारे कुछ कंप्यूटर्स में है हमारी लैब में, तो मैंने किया हुआ है, मैंने अपडेट किया हुआ है विंडो। अब एक तरीका होता है कि ना, ऑनलाइन अपडेट करो, और एक मेरे पास ऑफलाइन सॉफ्टवेयर है 11MB का, वो नेट पे ही मिल जाएगा आपको, करेंसी साइन का 11MB का MS, उससे आपका विंडो अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर RS की बजाय क्या आ जाएगा आपका, रुपीज़ का साइन। RS क्यों आ रहा है, मेन दिक्कत यही है आपका, मेन जो फैक्ट है वो विंडो 7 पहले लॉन्च हुई थी, करेंसी का सिंबल बाद में लॉन्च हुआ था, इसी वजह से, बाकी देखो आएगा यही। और देखो वही वाली बात है कि अगर आप, अब अगर आप शॉर्टकट के यूज़ करते हैं, क्या शॉर्टकट की यूज़ करते हैं आप, कंट्रोल शिफ्ट F4, तो जो फर्स्ट करेंसी साइन है ना आपका, फर्स्ट करेंसी साइन क्या है आपका, रुपीज़ का है, तो वही आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि रुपीज़ का साइन ऐड कैसे होगा, बाकी वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो मेरे ब्लॉग से भी, और आपको मैं दे दूंगा वो सॉफ्टवेयर, जिससे आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सेटिंग जो तुमने देखी ना अभी कंट्रोल पैनल में, बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग थी, उसे अच्छे से लर्न कर लेना ब्लॉग से या इस वीडियो से, क्योंकि उस सेटिंग के दो काम होते हैं, एक तो ये कॉमा भी ठीक से काम नहीं करता बेसिकली, अगर आपका US फॉर्मेट होता है ना कभी भी, तो इसमें क्या होता है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 डिजिट में क्या होता है, US के फॉर्मेट में क्या होता है, 3 डिजिट अलग। हमारे इंडियन फॉर्मेट में क्या होता है, अगर आप अभी कॉमा यूज़ करते हैं तो 7,89,000, बट अगर आप पहले करते हैं ना इसको, हमने सेटिंग कर रखी, तो पहले ऐसे नहीं आता 7 लाख, पहले ये ट्रिपल डिजिट अलग आते और ये अलग आते और बीच में कॉमा आता, तो इस ये प्रॉब्लम भी काफ़ी आती है, तो ये प्रॉब्लम भी उस सेटिंग से ठीक होगी, ठीक है।
तो आज की क्लास में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखी, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, मर्ज एंटर वगैरह, काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स वगैरह सीखी। नेक्स्ट क्लास की वीडियो में मैं काफ़ी जल्दी लोड कर दूंगा नेक्स्ट टाइम। तो अगर ठीक है, बेसिकली अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए आप, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। लाइक्स का बेसिकली मुझे कोई बेनिफिट नहीं है, लाइक्स इसलिए चाहता हूँ मैं। देखो कई स्टूडेंट्स हैं जो मतलब अभी आप लोग तो फिलहाल लैपटेक में हैं, ठीक है ना, आप लोग अफोर्ड भी करते हैं। मेरे टाइम पर मेरे फादर अफोर्ड नहीं कर पाए थे, मैं तो मतलब एक्चुअली एक सेंटर में काम भी किया, मतलब इस पढ़ाई भी किए, तो कई स्टूडेंट्स एक्चुअली अफोर्ड नहीं कर पाते। आप तो मतलब काफ़ी फॉर्चुनेट, मतलब एक तरह से तुम्हें मान लो तुम्हारा काफ़ी फॉर्चुनेट है, तुम्हें बेस्ट टीचर दिया गया लैपटेक का, हर क्वेश्चन का आंसर है मेरे पास, बेसिकली मैं बताता रहता आपको सर्च करके या कुछ भी। हमारे टाइम पे ऐसा नहीं था, हमारे टाइम पे सोनीपत में एक ही टीचर था, तो कुछ स्टूडेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन्हें, ठीक है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ज़रूर से। तो मैं चाहूँगा आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स वगैरह को, ऐसे स्टूडेंट्स को शेयर करें कि ये आपका ठीक है। लाइक करें, बेसिकली शेयर शेयर करें ऐसे स्टूडेंट्स को जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते बेसिकली, और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो और बाकी सभी चैप्टर्स में काफ़ी जल्दी आपका यहाँ पर इंसर्ट करने वाला हूँ, डालने वाला हूँ, तो ज़रूर इसको करें।